cold, dangerous Arctic air that's in place this morning. If you can stay warm, if you're watching this inside, if you can. Good morning. रात तो किसी तरह से नींद आ गई थी. अभी भी बहुत ज़्यादा सर्दी है. बाहर टेम्परेचर बहुत माइनस में ही है. अभी तक 7 है, -7 का टेम्परेचर है. आपको ये दिखाना है कि इस वक्त ये हालत है बाहर की. ये देखिए बर्फ जम रही है. मैंने इधर बाहर कुछ रखा है वो आपको दिखाता हूँ. पानी बिल्कुल बर्फ बन गया होगा. ओ ये देखो ये बर्फ बन चुका है. ये भी बर्फ बन चुका है. ये सब ये बिल्कुल जम चुका है पानी. देख रहे हो भाई. तो हमने सारी रात तो अभी -7 है बाहर. ठीक है -7 में ये हो चुका है काम. तो अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड है आउटसाइड. मतलब निकल नहीं सकते. खिड़कियाँ उनके कोने सारे जम चुके हैं और बाहर बहुत ज़्यादा खनकी है. अगर निकलते हैं तो सांस एकदम हाथ ठंडे हो जाते हैं. अभी सूरज है और ये अच्छा है कि सूरज हो रहा है. बाहर तूफान है. तूफान जैसी इससे ही लगा के अंदाज़ा लगाएं कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं. बस नाश्ता करते हैं, थोड़ा तैयार होता हूँ और फिर बाहर जाते हैं. दिखाता हूँ आपको कि इस शुगरलैंड की या इस एरिया की हालत क्या है. इस वक्त -2 है टेम्परेचर. तो मुझे गाड़ी जो है वो स्टार्ट करनी है, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं स्विमिंग पूल वाली साइड पे. थोड़ा सा आपको दिखा दूं. यू स्टिल वर्किंग? तो ये देखें इस वक्त सख्त सर्दी में बाहर निकला हूँ. हाथ मेरे फ्रीज हो रहे हैं. तो गाड़ी मेरी वहाँ खड़ी है पीछे. इसको मैं स्टार्ट करूँगा. और इनके महकमे मौसमियात की बात सही साबित हुई है कि धूप होगी. तो धूप देखें, आसमान कितना क्लियर है, बादल वगैरह नहीं है. ये भी एक अच्छी एक फेवर हमें मिल गई है कि अल्लाह ताला ने दे दी हमें फेवर कि अगर यहाँ धूप नहीं होती और दिन ये थोड़ा सा बारिश का मौसम होता तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता था. लेकिन अभी हमें ये फ़ायदा हो गया है कि ठंड जो है बहुत ज़्यादा है. मज़ा भी आ रहा है लेकिन होंठ मेरे पूरे खुश्क हो चुके हैं. नहीं, पानी जमा नहीं है मेरे ख्याल में अभी इधर, क्योंकि ये पानी छोड़ते रहते हैं. नहीं, ये पानी फ्रीज नहीं हुआ है, फिर भी देख लेते हैं. ओहो हो हो. ओ भाई ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है. देखो फ्रीज नहीं हुआ है लेकिन इसमें पत्ते देखें कितना आया आ गए हैं. और ये नीचे से पानी गर्म थोड़ा थोड़ा शायद कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा स्विमिंग पूल वाली साइड है. रात हवाएं तेज़ चली हैं तो ये गिर गया है.
इनके पंखे अभी तक चल रहे हैं और ये हालत हो रही है। मैं हाथ अपने छुपा रहा हूँ इसके अंदर, मैंने ग्लोव्स नहीं लिए, ये गलती कर दी मैंने यार, ये डबल काम हो गया। हम अभी गाड़ी स्टार्ट करेंगे अपनी, और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद फिर ऊपर जाएंगे घर पे। आज ज़्यादातर लोग जो है मेरे ख्याल में काम पे नहीं गए हैं, सबकी गाड़ियाँ इस वक्त खड़ी हैं। और तो दो दिन हालात यही रहेंगे, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ्रीज नहीं हुआ है, पाइप वगैरह सारे सही तरीके से चल रहे हैं। ये हालत हाथों की, जो रात वाली वीडियो मैंने जहाँ ख़त्म की थी कि बर्फ़ किस तरह से जम रही है, अभी मैंने एक और सुबह में भी आपको इसी में दिखा दिया। लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो जाए तो हम गाड़ी पहले स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह, ओह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आह, तो रात हमने जो गुजारी है ना वो इस तरह से थी कि तेज़ हवाओं से खिड़की बार बार खटक रही थी, खड़ 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 की आवाज़ें, नींद डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन उसके बाद फिर टेम्परेचर का मामला आया, हम थोड़े से परेशान थे कि टेम्परेचर कितना रखें। पहले हमने 75 रखा तो वो शायद सही नहीं था, टीवी वाले कह रहे थे 68 पे रखें और दोस्तों ने बोला 70 रखें, फिर 72 पे रखा, फिर भी ठंड लग रही थी। और इस वजह से मैं तो पहले ये जैकेट पहन के सोया, थोड़ी देर के बाद मैंने ये उतारी जैकेट। अब बस फ़ायदा बस अल्लाह ने ये दे दिया कि सूरज है, सूरज नहीं होता और बादल होते तो यहाँ बिल्कुल बर्फ़बारी शुरू हो जाती, और बर्फ़बारी की वजह से थोड़ा सा मुश्किलात और बढ़ जाती। अभी शाम में फिर ये टेम्परेचर बिलो जाएगा 7, मंडे तक इसी तरह से सूरत हाल रहेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह न लाइट गई है, न पानी का कोई मसला अभी तक हुआ है, और दिन के इस वक्त 12:30 बजे का टाइम है और हर चीज़ अभी तक सही चल रही हो। देखो ना, नीचे आ ही नहीं रहा पारा। तभी इन्होंने पाइप जो बंद किया है ना, ये इस तरह से टेप लगा के बंद किए। देखें घास ही जल रही है, अभी सख्त सर्दी है तो घास जल गई है। वो दरख्त पूरा जो है पीला पड़ गया है, ये सूख गया है, ये इन्होंने इधर टेप लगा के इसको बंद किया है। पानी का भी पाइप है और जहाँ जहाँ से इनको मतलब लग रहा है कि ये हो जाए, हो सकता है। ये देखें बिल्कुल दरख्त जल चुका है रात में, ये इस तरह से ये भी बेचारा गंजा हो गया, वो भी पीला पड़ गया है। सिर्फ ये जो दरख्त हैं 2-3 ये अभी हरे भरे हैं, बाकी दरख्त जो है वो जल जाते हैं। ये भी थोड़ा सर्दी को बर्दाश्त करता है तो इसलिए ये अभी तक सेम है। और बड़ी बात है इन्होंने लाइटें अभी तक जलाई हुई हैं। पीछे की तरफ थोड़ा चलते हैं, तो ये आज दूसरा दिन है सर्दी का। अब देखें इमरजेंसी में काम चल रहे हैं अभी, सामने पोल वगैरह ये स्ट्रीट लाइट हैं और इनको शायद अभी बना रहे हैं। ये सारे दरख्त अभी आपको नज़र आ रहे हैं ना छोटे, ये टूट चुके हैं तो ये मतलब जल चुके हैं ये वाले। ठंड बहुत है और कहीं पाइपों के काम चल रहे हैं, कहीं पोलों पे खंबे जो हैं इनको सही कर रहे हैं, और ये वाला दरख्त देखें बिल्कुल जल गया है। तो सर्दी की शिद्दत का अंदाज़ा करें कि सर्दी कितनी है इस वक्त, जो हरा भरा दरख्त था वो अभी जल चुका है। चलें भाई ऊपर घर पे, थोड़ा सा हम
रिलैक्स हो जाते हैं। ये सूरज साहब ना होता तो आज पता नहीं क्या हो जाता। शुक्रिया भाई आपका, बाहर आए आप, अच्छा लग रहा है। पहली दफ़ा सूरज जो है, सूरज की रोशनी अच्छी लग रही है। अभी आपको बाहर का दिखाता हूँ। हाँ बाबा, ओहो ये देखें बर्फ़ जम चुकी है। ओहो ओहो, अभी तो दिन है, काम और चढ़ेगा। दिखाऊंगा आपको कि अभी क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं। तो थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस वक्त थोड़ी नींद करके उठे हैं और टेम्परेचर फिर -3 हो चुका है। आज इतना नीचे नहीं जाएगा, कल बहुत ज़्यादा नीचे गया था, बहुत ज़्यादा। इस वक्त खुनकी है, सर्दी है, खुनकी है। कल से कहीं इतना मतलब टेम्परेचर कल बहुत नीचे जा चुका था, आज इतना नहीं है, लेकिन बहुत देखें खूबसूरत लग रहा है व्यू। लोगों के अपनी आमन काम काज ये वो सब जारी है। सर्दी तो अपनी जगह पे है, लेकिन दोस्तों ने दावत दी है कि आ जाएं, साथ चाय पीते हैं। ठंड भी है, मौसम भी क्लियर है, -3 हो चुका है टेम्परेचर। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ ही जाता हूँ, यहाँ से 10-15 मिनट की ड्राइव है, तब तक पता लग जाएगा कि बाहर के हालात क्या हैं। जो दोस्त वीडियोस पूरी नहीं देखते उनको असल हकीकत का पता ही नहीं चलता, मतलब कि आधी वीडियो देख के कमेंट शुरू कर देते हैं, डरा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अगर वो कायन पूरी वीडियो देखते हैं तो शायद उनको सारी मालूमात मिल जाती कि इसमें डराने की कोई बात नहीं है। मैं खौफ नहीं फैला रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो ह्यूस्टन है या जो टेक्सास रियासत है वो इस तरह की सर्दी के लिए तैयार नहीं है। मतलब वहाँ प्रॉब्लम हो सकते हैं, वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा पाइपलाइंस बस्ट हो जाती हैं, पानी खराब मतलब की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, इसके साथ ज़िंदगी मफलूज हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा चैनल्स पे जाएंगे तो सारी मालूमात आपको मिलेगी कि इन्होंने कितनी बड़ी इमरजेंसी का मतलब वो तैयारी की, और यहाँ तक के जो यहाँ की पावर सप्लाई करने वाली कंपनीज हैं उन्होंने बताया कि हम लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा लोग जो है डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि घरों में चूल्हे गैस की जगह पे बिजली के भी हैं और इसके साथ हीटर चल रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा मतलब बिजली यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे साथ प्रॉब्लम है, हम इतनी सप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जो पावर जनरेशन है उसको बढ़ाएं। तो ये तरीका मतलब इस तरह की जब सूरतयाल होगी तो उसको फ्लोरिडा में बैठा हुआ या न्यूयॉर्क में या किसी और जगह पे जो बंदा दोस्त बैठा हुआ है उसको आइडिया नहीं हो सकता कि ह्यूस्टन के हालात क्या हैं, और या मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसकी रीज़न क्या है। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि भाई यहाँ मौसम इस तरह का नहीं होता, 2 साल से ऐसा हो रहा है, इसलिए यहाँ ज़्यादा पैनिक है और ज़्यादा लोग मतलब ये फील कर रहे हैं। अगर यही इंफ्रास्ट्रक्चर इनका ठीक होता तो यहाँ -44 भी हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये थोड़ी सी अगर सर्दी यहाँ आ रही है तो पिछले साल के खौफ ने लोगों को जकड़ा हुआ है, क्योंकि 111 से ज़ायद डेथ हुई थी सर्दी में, तो लोग जो है गाड़ी के अंदर बैठे बैठे मर गए थे। तो भाई थोड़ा सा कंपेयर नहीं करें अपने एरिया में कि हम जो है वो कनाडा में रह रहे हैं तो वहाँ इतनी बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ भी इतनी होगी। कनाडा अलग बात है, न्यूयॉर्क अलग है, ओहायो या जो स्नो जहाँ ज़्यादा होती है उन स्टेट्स के साथ टेक्सास स्टेट को न मिलाएं, यहाँ का सूरत हाल जो है वो डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी आपको दोस्तों को समझ में आ चुकी होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलें अभी इंजॉय करते हैं।
गाड़ी का स्टीयरिंग इतना ठंडा है कि मैं रख नहीं पा रहा इसको हाथ में। अभी हीटर चलाया लेकिन हीटर स्टार्ट होने में भी टाइम लगेगा, क्यों आप देख रहे हो कि टेम्परेचर इस वक्त बिल्कुल अभी तक गाड़ी का जो है ना ठंडा ही है। तो ये आए हैं केटी के एरिया में और ये हलाल मार्केट है, केटी हलाल मीट ग्रोसरी। और इस तरह ये चाय वगैरह भी मिल रही है। ठंड बहुत है भाई, मैं अभी गाड़ी से उतरे, गाड़ी में तो हीटर चल रहा था। कश्मीरी चाय, तंदूरी चाय, ये तो हजाम का दुकान लग रहा है। देखें भाई अभी सर्दी में पाए खाने हैं केटी में, तकरीबन कोई 20-25 मिनट की ड्राइव थी। यहाँ हर जगह पे इमरान खान ही चल रहा है। अभी केटी में आए थे, केटी में चाय शाय पिए, खाना थाना खाया है, अभी गुलाब जामुन लेके फिर वापस जा रहा हूँ घर। तो चल के घर बात करते हैं कि भाई आज का मौसम या आज की हालात क्या है। बस मुख्तसर चक्कर लगा के वापस आया हूँ घर की तरफ और अभी यहाँ माइनस में है, लेकिन कल वाली सूरत हाल नहीं है। कल बहुत ज़्यादा ठंड थी, आज इतनी ठंड महसूस नहीं हो रही। -3, -4 है इस वक्त, लेकिन जो कल था ना दिन, कल वाला, वो बहुत ज़्यादा था क्योंकि एक तो तेज़ हवाएं थी, बहुत तेज़ हवाएं। आज वो रुक गई हैं, बड़ी ठंडी हवाएं रुक गई और इसके साथ सिर्फ ठंड है खुनकी वाली। तो ये सूरत हाल है भाई। और इस वक्त हम 24 घंटे हमें हो चुके हैं घर के अंदर। मैं बाहर भी थोड़ी देर के लिए गया था केटी और उस तरह दोस्तों से मिलने, वहाँ से वापस आया हूँ और मतलब ज़िंदगी रवां दवां है। जो खौफ था उसमें थोड़ी कमी है, वो इसलिए है कि मौसम साफ़ है। अगर मौसम साफ़ नहीं होता, बारिश थोड़ी होती, तो हालात बहुत कशीदा हो सकते थे, क्योंकि पिछली बार ये हो चुका है। तो अभी के लिए इतना ही है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और तब देखेंगे कि उस वक्त हालात क्या हैं। तो अपना भी ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें।